हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत क्रिस्पी मकर संक्रांति स्पेशल। ये है मखाने का रेवड़ी। इसे तिल और मखाने से बनाया जाता है और ये बहुत क्रिस्पी होता है। तो चलिए हम यही मखाना रेवड़ी बनाने वाले हैं। ये बनाने में बहुत इजी है और ये खाने में भी बहुत क्रिस्पी और क्रंची होता है। देखिए, इसका एक बार तोड़कर दिखा रहे हैं। ये इतना क्रिस्पी होता है कि आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। चलिए इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मखाना रेवड़ी बहुत सारे तरीके से बनते हैं और बहुत सारे आपने खाए भी होंगे, लेकिन आज हम कुछ हटके बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमने लिया है इधर 1 कप मखाना और इधर लिया है 1/2 कप हमने सादा तिल, 1/2 कप बादाम और इधर मैंने लिया है 1/2 कप से थोड़ा सा कम शुगर। इसी से बनाने वाले हैं बहुत ही अच्छा मखाना रेवड़ी। तो इधर हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा लिया और हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो अपना सादा तिल लिए हैं उसे थोड़ा सा भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। और ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है, तो आप एकदम मीडियम आंच पे ही इसे रोस्ट कीजिए। और ये लीजिए, हमारा रोस्ट हो चुका है। ये चटकने लगेगा तो समझिए कि ये रोस्ट हो गया, नहीं तो बहुत जल्दी जलने लगेगा। और इसे नीचे उतार लेना है और गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखते हुए हम अपना रॉ पीनट को भी रोस्ट कर लेंगे। ये हमारा रेवड़ी 2-in-1 होने वाला है। मकर संक्रांति पे गुड़ और तिल तो खाया ही जाता है, इसे लोग शुभ मानते हैं। और हम इसमें बादाम भी ऐड कर दे रहे हैं, आपको तो चिक्की का भी फ्लेवर आएगा और रेवड़ी का भी फ्लेवर आने वाला है। तो आज का रेसिपी बहुत स्पेशल होने वाला है, तो आप लोग बिना स्क्रिप्ट किए हुए हमारी वीडियो जरूर देखिए। और ये देखिए, थोड़ा थोड़ा इसमें निशान आ गया है, तो इसका मतलब ये भून चुका है। तो इसे अब हम ठंडा कर लेंगे और करके मिक्सी जार में दरदरा पीस लेंगे। तो लीजिए, इसे मैंने दरदरा पीस लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको इस कटोरी में डाल लेंगे। और चलिए, मखाने को भी रोस्ट कर लेते हैं। मखाने को डालेंगे और डालकर इसे हम रोस्ट अच्छी तरह कर लेंगे। इसके लिए फ्लेम को मीडियम ही रखना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है। और इसे अच्छी तरह हम रोस्ट कर लेंगे। जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाता है तब तक इसे रोस्ट करना है। तो हमारा मखाना रोस्ट हो गया है। देखिए, ऐसे तोड़ने से पता चल जाएगा कि ये ऐसा हो जा रहा है। तो हमारा मखाना रेडी हो गया है। तो इसे हम एक बॉल में निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे पानी। और पानी डालने के बाद हम यहीं पर डाल देंगे अपना शुगर। आप चाहें तो आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत ही क्रिस्पी और करारी हमारी रेवड़ी होती है। और मकर संक्रांति में हर घर में ये बनता है, तो इसीलिए आप लोग भी अपने घरों में एक बार जरूर ट्राई कीजिए। मकर संक्रांति आने ही वाला है। ये देखिए, अभी ऐसा गिर रहा है, तो इसमें अभी तार नहीं आया है, अभी चीनी मेल्ट नहीं हुआ है। तो इसे और हम पकाएंगे। और देखिए, ये पकते पकते इसका कलर किस तरह चेंज हो गया है। तो थोड़ा सा और ये होगा तो रेडी हो जाएगा। इसे हम क्या करेंगे कि एक बाउल में पानी ले लेंगे और इसे चेक करने के लिए इसमें डालेंगे 2 बूंद और इसे ऐसे ठंडा होने के बाद देखेंगे। तो ये अभी हमारा नहीं टूट रहा है एकदम, ये टूटने लगेगा तो समझेंगे कि हमारा हो गया है। तो अभी थोड़ा सा और पकाना है। और चलिए, इसे एक बार और हम चेक कर लेते हैं। 2 ड्रॉप डालेंगे और डालकर इसे चेक करेंगे। और ये हार्ड होने लगा है एकदम और ये टूटने लगा है। तो यहीं पर हम क्या करेंगे कि यहीं पर 1 पिंच हम सोडा डाल दे रहे हैं। इसे एकदम फ्लफी फ्लफी होने लगेगा। देखिए किस तरह होने लगा है ना, बस। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और करने के बाद हम अपने मखाने को इसमें ऐड कर देंगे। मखाना को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे अपना थोड़ा थोड़ा करके जो रोस्ट करके तिल रखे थे उसे डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। और ये रेडी हो गया है। और इसी पे हम डाल दे रहे हैं जो हमने इधर रोस्ट करके रखा हुआ था बादाम का और क्रश कर लिया था, इसे भी हम थोड़ा सा डाल देंगे और डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। बस अब हम इसे क्या करना है कि नीचे उतार लेना है। और नीचे उतारने के बाद इसे
हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसे ठंडा होने से पहले अलग कर लेंगे, नहीं तो ये ठंडा हो जाने के बाद एकदम क्रंची हो जाएगा। ऐसे ही ये अलग हो जाता है, देखिए। और इसे ठंडा होने के बाद ऐसे हम अलग अलग कर लेंगे, देखिए ऐसे ही ये अलग अलग हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में, बहुत क्रिस्पी होता है। और लीजिए, ये अलग अलग हो गया है और एकदम क्रिस्पी, सुन रहे इसकी आवाज, एकदम क्रिस्पी और क्रंची हुई है। तो इसे मकर संक्रांति पे आप लोग भी बनाइए और एंजॉय कीजिए, ये खाने में बहुत टेस्टी और बहुत क्रिस्पी होता है।